ये देखिए दोस्तों, दो तरह से बनाए हुए चावल हमारा बिल्कुल परफेक्ट और खिला खिला बन के तैयार हुआ है। चावल बनाने का सिंपल और आसान तरीका। हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। चावल बनाने के लिए हम लेंगे 2 कप चावल। यहाँ मैंने 2 कप चावल को अलग अलग रखा है ताकि हम इसे अलग अलग पकाएंगे। और अब चावल को हम कटोरी में डालेंगे। ये देखिए, यहाँ मैंने दोनों चावल को अलग अलग कटोरी में डाला है। और अब चावल में पानी डालकर 2 से 3 बार हम इसे हल्के हाथों से मिलाते हुए अच्छे से वॉश कर लेंगे या धो लेंगे। ये देखिए, यहाँ मैंने चावल को अच्छी तरह धो लिया है और ये बिल्कुल ही क्लीन हो गया है। और अब हम इसे पानी में ही डालकर 10 से 15 मिनट के लिए सोक करने के लिए रखेंगे। चावल बनाने के लिए हम एक बर्तन लेंगे, उसमें 2 ग्लास पानी डालेंगे। हाई फ्लेम पे पानी को गर्म होने देंगे। ये देखिए दोस्तों, पानी हमारा गर्म हो गया है और पानी में उबाल भी आ गया है। इस टाइम पे हम इसमें 1 कप सोक किया हुआ चावल डालेंगे। चावल डालकर गैस का फ्लेम हाई ही रखेंगे। हाई फ्लेम पे हम चावल में 1 से 2 उबाल आने देंगे। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लग रही हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये देखिए दोस्तों, चावल में उबाल आ गया है। इस टाइम पे गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे चावल को ढककर 5 मिनट पकने देंगे। चावल बनाते समय ढक्कन से चावल को पूरा ना ढकें। 5 मिनट हो गए हैं, हम चावल को एक बार चेक कर लेंगे। चावल को मिलाते हुए चम्मच से इस तरह चेक करेंगे। ये देखिए, चावल हमारा अभी पका नहीं है। चावल को हम मीडियम फ्लेम पे इसी तरह 5 मिनट और पकने देंगे। ये देखिए, अब चावल हमारा पक गया है, हमें इसे इतना ही पकाना। इस टाइम पे गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और चावल से एक्स्ट्रा पानी निकाल लेंगे। ये देखिए, यहाँ मैंने चावल से एक्स्ट्रा पानी निकाल लिया है और चावल हमारा गर्म है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए चावल हमारे परफेक्ट बन के तैयार हुए हैं। कुकर में चावल बनाने के लिए यहाँ मैंने एक कुकर लिया है और हम इसमें 1 कप चावल के बराबर 2 कप पानी डालेंगे। ये देखिए, यहाँ मैंने 1 कप पानी डाल लिया और अब हम गैस ऑन करेंगे। गैस ऑन करके हाई फ्लेम पे पानी को गर्म होने देंगे। पानी हमारा कम टाइम में जल्दी गर्म हो, इसके लिए हम कुकर के ऊपर कुकर का लीड लगाएंगे। ये देखिए दोस्तों, कुकर को ढके हुए 1 मिनट हो गया है। अब हम इसे चेक कर लेंगे कि पानी हमारा गर्म हुआ कि नहीं। ये देखिए, पानी हमारा गर्म हो गया है। इस टाइम पे हम इसमें 1 कटोरी चावल डालेंगे। चावल या राइस डाल के हम इसे चम्मच से मिला लेंगे। इस तरह चावल को पानी में मिलाने से चावल नीचे और पानी ऊपर रहेगा, जिससे चावल हमारा अच्छी तरह से पकेगा। कुकर में चावल बनाते समय आप मेजरमेंट का हमेशा ध्यान रखें, चावल आपके हमेशा खिले खिले बन के तैयार होंगे। ये देखिए, चावल में उबाल आ गया है। अब हम कुकर का ढक्कन लगा करके 1 से 2 सीटी हाई फ्लेम पे आने देंगे। ये देखिए दोस्तों, कुकर में 2 सीटी आ गई है। इस टाइम पे गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और कुकर को ठंडा होने देंगे। चावल हमारा ठंडा हो गया है, चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। ये देखिए, ये पतीले में बनाया हुआ चावल है। हम इसे एक बाउल में सर्व करेंगे। ये देखिए, चावल हमारे बिल्कुल परफेक्ट और खिले खिले बन के तैयार हुए हैं। चावल बनाना तो सभी को आता है, लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेरे बताए हुए तरीके से अगर आप चावल बनाएंगे तो आपका चावल हमेशा परफेक्ट बन के तैयार होगा। कुकर का चावल ठंडा हो गया है, हम इसे चम्मच से एक बार इस तरह मिला लेंगे और चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं।
ये देखिए चावल हमारा बिल्कुल परफेक्ट और खिला खिला बन के तैयार हुआ है। हम इसे भी एक कटोरी में निकाल के सर्व करेंगे। आप सभी को मेरा कौन सा चावल बनाने का तरीका इजी और पसंद आया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये देखिए यहाँ मैंने दोनों चावल को सर्व कर लिया है और आपको दोनों चावल में कोई फ़र्क पता नहीं चलेगा कि किसे हमने कुकर में बनाया और किसे हमने पतीले में बनाया।